केशव कांड के विश्वती प्रभारी मंत्री थे, दूसरे मंत्री को प्रभारी बना दिए, इसे हमको धक्का लगा, चोट लगा, मुझे अपमान साबित हुआ, इसलिए हम इस काम का अंजाम इस सुबह दे दिए। नमस्कार, मैं हूं सूर्यकांत बड़थवाल। बिहार के परिवहन मंत्री रमई राम एक बार फिर से अब रूठ गए हैं और नाराज होते ही उन्होंने पूर्वी चंपारण के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। वो वजह बताते हैं कि नीतीश सरकार में उन्हें अपमानित महसूस करवाया गया है। लेकिन अगर रमई राम के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो पता चलता है कि बिहार के ये मंत्री अक्सर नाराज हो जाया करते हैं। और अब ऐसे में प्रदेश में जब भूकंप प्रभावितों को राहत देने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना हो और आने वाले दिनों में चुनाव की दस्तक सुनाई देने लगे तो कोई भी सियासी उठक पटक बेमतलब नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये राजनीति है और यहाँ कुछ भी यूं ही नहीं होता। प्रभारी मंत्री थे, दूसरे मंत्री को प्रभारी बना दिए, इसे हमको धक्का लगा, चोट लगा, मुझे अपमान साबित हुआ, इसलिए हम इस काम का अंजाम इस सुबह दे दिए। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री रमई राम ने पूर्वी चंपारण के 20 सूत्री के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। मंत्री रमई राम ने आरोप लगाया कि पहले वो 20 सूत्री के मंत्री थे, बावजूद इसके विजय चौधरी को आपदा के समय में मंत्री बना दिया गया, जिससे उन्हें अपमान महसूस हुआ है और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खुद को उत्तर बिहार में दलित राजनीति का समाजवादी चेहरा समझने वाले रमई राम एक बार फिर चर्चा में है। सरकार चाहे जिसकी भी हो, रमई राम को सभी से अच्छा खासा भाव मिला। लालू के साथ रहे तो भी मंत्री रहे, बाद में नीतीश के साथ हो लिए तब भी मंत्री बने, लेकिन अक्सर वो नाराज होते रहते हैं। इस बार फिर नाराज हो गए हैं। कहने को तो प्रभारी मंत्री के मसले पर नाराज हैं, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। फौरी तौर पर उन्होंने पूर्वी चंपारण के प्रभारी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनकी जगह किसी और को भी ये पद दे दिया गया है। ना तो रमई राम के अधिकार और जिम्मेदारियों में परिवर्तन किया गया, ना ही कुछ और। फिर नाराजगी किस बात की? बकौल रमई राम, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी को नेपाल से आ रहे भूकंप पीड़ितों से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए पूर्वी चंपारण में प्रभारी मंत्री बना दिया गया है। इससे उन्होंने खुद को अपमानित महसूस किया और इस्तीफा दे दिया। आपको समझदारी नहीं, विजय चौधरी से करना है, हमको जो नियम कानून है उससे हमको नाराज की जी। आगे क्या स्टंट रहेगा आपका? आगे हुआ से देखा जाएगा। रमई के निशाने पर सीधे नीतीश हैं। ये बात भी काबले गौर है कि भाजपा से गठबंधन टूटने के बाद जब नीतीश सीएम पद छोड़ रहे थे तो उनके उत्तराधिकारी के तौर पर रमई का नाम भी उछला था, लेकिन नीतीश ने तब जीतन राम मांझी को तरजीह दी थी। हाल ही में जीतन राम मांझी के साथ चले सत्ता संघर्ष में रमई ने नीतीश का साथ दिया था। कहा जाता है रमई तब भी नाराज थे। भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार के वक्त भी एकाध मौकों पर रमई अपनी नाराजगी जता चुके हैं। दरअसल लालू राज के जितने भी लोग नीतीश के साथ जुड़े उनमें से किसी को भी दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं होती, इसमें रमई राम भी आते हैं। बिहार की राजनीति के जानकारों का ये भी मानना है कि रमई राम खुद सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किसी बड़े नेता की सरपरस्ती हासिल नहीं है। ऐसे में अब अंदाजा इस बात का भी लगाया जा रहा है कि चुनाव से कुछ महीने दूर बिहार में दलित राजनीति का चेहरा बनने को बेताब रमई कहीं किसी बड़े धमाके की तैयारी तो नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर इस्तीफे के मायने क्या हैं और राहत में क्या ये राजनीति है। एक अहम सवाल इसलिए भी क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं प्रदेश के अंदर, उसे देखकर भी कई सारे सियासी मायने अब निकलने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे रेजिडेंट एडिटर कौशलेंद्र प्रियदर्शी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, साथ ही साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी भी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों खास मेहमानों का न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नवल शर्मा जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आज इस्तीफा दिया रमई राम ने, क्या कुछ आपको लगता है कि इस इस्तीफे के पीछे की वजह क्या थी? क्या वो वाकई में अपमानित महसूस हो रहे थे या एक बार फिर से यूं ही अपने स्वाभाविक तौर पे वो एक बार फिर से रूठ गए हैं? नहीं, बिल्कुल सामान्य सी बात है। देखिए, रमई राम जी की नाराजगी का जो कारण है उसका कोई ठोस आधार नहीं है।
जी नीतीश कुमार जी बिहार में जिस दिन से भूकंप आया है उसी दिन से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी शक्ति से राहत केंद्रों का मुआयना कर रहे हैं, भूकंप पीड़ितों तक कैसे राहत सामग्री पहुंचाएगा इसका बड़ी गहराई से निरीक्षण कर रहे हैं जी। और हाल ही में जब वो आपदा स्थल पर गए थे, रक्सौल में गए थे, तो नीतीश कुमार जी को ऐसा महसूस हुआ था कि वहां समन्वय की कमी है जी। तो उस समन्वय की कमी को ठीक करने के लिए, चूंकि रक्सौल एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है जी जी, तो रक्सौल में देश विदेश से कई तरह की मदद आ रही है, अब उस मदद को सही तरीके से नेपाल तक पहुंचाया जाए, प्रभावित परिवारों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता थी। वहाँ कई तरह की एजेंसियां काम कर रही हैं, उन सारी एजेंसियों के बीच में कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, तो इन्हीं सारे उद्देश्यों को पाने के लिए माननीय मंत्री विजय चौधरी जी समेत अधिकारियों की टीम को रक्सौल में तैनात किया गया जी। तो नवल शर्मा जी, क्या ऐसा था कि रमन राम जी वो समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे थे, कमियां थी, मतलब तो ये नहीं निकलता है? यह तो मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव होता है, लेकिन रमन राम जी के बारे में एक बात आपको भी जानने की आवश्यकता है जी, कि रमन राम जी पूर्वी चंपारण जिले के प्रभारी मंत्री है जी। माननीय विजय चौधरी जी को केवल रक्सौल बॉर्डर पर तैनात किया गया है, रक्सौल में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए तैनात किया गया है, और ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको मिलेंगे जहां एक ही जगह कई सारे मंत्रियों की, कई सारे अधिकारियों की नियुक्ति होती रही है। नहीं, अगर नियुक्तियां हो रही है तो वहां ऐसी नाराजगी निकल के सामने नहीं आनी चाहिए जिस तरीके से आज नाराजगी निकल के सामने है। और अब तो खुद ही रमन राम जी कहते हैं कि हम जो पद था हमारे पास प्रभारी का वो तो हम छोड़ चुके हैं क्योंकि किसी और मंत्री को पद दे दिया गया है, अपमानित महसूस कर रहे हैं। नहीं नहीं मैम, फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विजय चौधरी जी को पूर्वी चंपारण जिले का जिला प्रभारी मंत्री नहीं बनाया गया है। तो क्या ये जानकारी नवल शर्मा जी जो आप हमें बता रहे हैं, क्या ये जानकारी रमन राम जी के पास नहीं पहुंची थी? नहीं, आपके रेजिडेंट एडिटर जो बिहार के निवासी हैं वो बेहतर तरीके से तथ्यों को जानते हैं। केवल विजय चौधरी जी को भारत नेपाल सीमा पर कोऑर्डिनेशन के लिए रक्सौल में तैनात किया गया है जी जी, बस बात कितनी है जी। नवल जी, अपने खास मेहमान से मैं तारुफ यहां करवा दूं, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विजय कुमार सिन्हा साहब जुड़ गए हैं। विजय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार जी, मैं आपके पास सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन हमारे रेजिडेंट एडिटर कौशन प्रियदर्शी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। कौशन, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो तमाम चीजें आज घटनाक्रम पिछले कुछ घंटों में हमने बिहार के भीतर देखी है, इसका क्या सियासी मायना निकाला जाए, और ये आखिर नाराजगी है तो कैसी है? देखिए, ये जो बड़ा सवाल है सूर्यकांत की, इसमें जिस तरीके से मामला जो चेंज हो रहा है लगातार, मसलों को रमई राम जिस तरीके से इस चीज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें एक बहुत स्पष्ट देखा जा सकता है कि इस बहाने कहीं ना कहीं राहत के बहाने राजनीति हो रही है। और विडंबना यह है कि जब देश या बिहार बड़ी बुरी परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है, कुदरत का कहर यहाँ बरपा है नेपाल और साथ साथ बिहार में भी, और लगातार इसमें कहीं कोई शक नहीं कि बिहार सरकार अपने तरीके से अपने क्षमता के अनुसार बखूबी वहाँ प्रयास भी कर रहा है, और इसमें जो बातें सामने आ रही है उसमें यह था कि आपदा प्रबंधन के लिए जो सामान्य तौर पे जो चीजें जुटाने जितनी चाहिए बुनियादी तौर पे, खास करके परिवहन मंत्री थे और बस का मामला था, क्योंकि वहां से पर्यटन विभाग के जो 16 बेस के लोगों को कल 26 बस जो है यहाँ लेके आई, काफी मात्रा में भारतीय वहां फंसे हुए हैं, तो इसे लेकर के काफी परेशानी थी, और संभवतः यही चीज जो है नीतीश कुमार को खल गई है, क्योंकि वो लगातार उस इलाके का दौरा कर रहे हैं और उसमें वो कोताही बरतने वाले लोगों को भकटना नहीं चाहते। आज जैसा कि रमई राम के इस्तीफे के बाद जब उनसे पूछा गया कि रमई राम ने इस्तीफा देने की पेशकश की है या दे रहे हैं, तो उससे वो बरस पड़े, उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा है तो मैं साफ स्वीकार करूंगा, अभी इसमें राजनीति करने की कोई बात नहीं है। जी, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से रमई राम दलित या बाकी की जो दलित पर भी उन्होंने एक अजीब सा बयान दिया है, हालांकि जैसा आपने शुरू में कहा कि उनका स्वभाव रहा है और स्वाभाविक तौर पे क्या नवल शर्मा जी से आपने प्रश्न भी पूछा कि क्या ये वो अपने अंदाज में जिन चीजों को करते आ रहे हैं क्या वही अंदाज है उनका, या फिर जी सवाल उठना लाजमी है राजनीति जी राजनीति हो रही, तो ये विडंबना यह है कि खुद उन्हीं के पार्टी के मंत्री के द्वारा अगर इस तरह की राजनीति की जा रही है तो कहीं ना कहीं प्रश्न मुख्यमंत्री या उनके पार्टी के ऊपर ही उठ रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर क्वेश्चन जी, अगर आप आपसी मनमुटाव के चलते बड़ी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं तो उसका क्या मतलब निकाला जाए, और ऐसी नाराजगियों का क्या भविष्य होगा जब प्रदेश के अंदर आने वाले ही कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हों। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, सिन्हा साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा,
आज परिवहन मंत्री ने जिस तरीके का बयान दिया, जिस तरीके से अपमानित अपनी पार्टी के अंदर भीतर महसूस कर रहे हैं, नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जो अंदर का आक्रोश है वो उभर रहा है जी। और माननीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से महादलित को क्रमवार अपमानित करने का खेल शुरू किए हैं जी, तो कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर जो मानसिकता एक सामंतशाही प्रवृत्ति का है जी, वो झलक रहा है जी। जो भी उनके सामंतशाही प्रवृत्ति में हां मिलाएंगे वही सत्ता और सरकार के साथ रहेंगे जी। वो जो करते हैं उसका एसमैन बन के रहिए। और ये प्रवृत्ति जो डेवलप हुआ है, किन की संगति से डेवलप हुआ है, पूरा बिहार की जनता जान रही है। माननीय लालू प्रसाद जी अपने पार्टी के अंदर जिस तरह से सामंतशाही और तानाशाह प्रवृत्ति से चलाते हैं, नीतीश कुमार जी उसी पैटर्न पर आगे बढ़ चुके हैं। और उसी का कुपरिणाम है कि आज ये पहले रमै राम जी के साथ व्यवहार हुआ जी, ये व्यवहार पहले मांझी जी के साथ भी हुआ। ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं महादलितों को अपमानित तो कलंकित करने का है जी। और इस पर इनको विचार करना चाहिए कि जिस बेस पर ये राजनीति शुरू किए थे गरीबों के हित में जी। नवल शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। विजय कुमार सिन्हा साहब जो बातें कह रहे हैं, क्या ऐसा है पार्टी के भीतर? जी, विजय सिन्हा साहब जो बोल रहे हैं वो सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और बड़ा दुख भी हो रहा है जी। आज तक भारत के किसी भी राज्य में आपदा के समय राजनीति नहीं होती थी जी। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण नई किस्म की राजनीति देश में कर रहे हैं। लोगों में इतनी भारी विपदा आई हुई है और विपदा में भी इनको महादलित और दलित दिखाई दे रहा है, जबकि ये इस बात को भूल रहे हैं कि इसके पहले बिहार के जो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी थे, जीतन राम मांझी जी को खुद सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था कि 420 के आरोप में मांझी जी पर केस चलना चाहिए। मांझी जी के कार्यकाल को बीजेपी के नेताओं ने की संज्ञा दी थी। मांझी जी को इन लोगों ने भ्रष्ट बताया था। जब मांझी जी ने कहा कि बिहार के सारे सवर्ण विदेशी हैं, तो बीजेपी के नेताओं ने कहा था इनकी स्मृति इतनी कमजोर कैसे है, इनको याद रखना चाहिए कि मांझी जी के साथ इन लोगों ने कैसा सलूक किया था। खैर, मैं इन बातों की गहराई में नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो बीजेपी के नेताओं की कलई खुल जाएगी, इनकी कलई खुल जाएगी और इनके ऊपर का जो नवल जी मुद्दे से हम भी नहीं भटकना चाहते, बात तो हम वही करना चाहते हैं कि आखिर आज रमै राम ऐसे बयान क्यों देते हैं, क्यों एक बार फिर से मुखर होते हैं वो और नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोलते हैं? जी, मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। रमै राम जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बिहार पर भारी विपदा आई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री किस कदर सेंसिटिव हैं, उनकी सेंसिटिविटी की संसद में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने भी प्रशंसा की है और अभी तक बीजेपी के किसी केंद्रीय नेता ने बिहार सरकार तमाम हालातों पर संवेदनशील होने एक अलग बात है और पार्टी के तमाम नेताओं के साथ वो व्यवहार चल रहा है और जिस बात की नाराजगी अब निकलकर सामने आ रही है वो एक कुछ नए सियासी समीकरण और नए सियासी मायने बता रही है। इस बीच मैं मुखातिब करवा दूं, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं आरजेडी की तरफ से, दिनेश कुमार जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। आपको भी जी, मैं आपके पास आऊंगा लेकिन जो बातें यहाँ नवल शर्मा साहब ने उठाई हैं, चाहूंगा कि उसका जवाब अगर सिन्हा साहब आप दें कि ऐसा क्यों है पार्टी के अंदर और क्यों सवाल अगर बात होती है तो बीजेपी पर भी सवाल उठते हैं। जी नवल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं, हम ये बताना चाह रहे थे। जी, कहिए। देखिए, आपने कभी आज तक ऐसा सुना है? गुजरात में 2001 में भूकंप आया था, भुज में भूकंप आया था, 20,000 लोग मारे गए थे जी। क्या कभी किसी ने राजनीति की थी? महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आया था, किसी ने राजनीति की थी? अरे भाई साहब, विपदा की इस घड़ी में मानवता की सेवा कर सकते हैं तो कीजिए, क्यों गाल बजा रहे हैं, व्यर्थ गाल क्यों बजा रहे हैं, बिहार के वातावरण को दूषित क्यों कर रहे हैं? जो लोग आपदा प्रभावित हैं उनके सामने अपने चरित्र को नंगा क्यों कर रहे हैं आप? राजनीति करने के लिए बहुत सारा समय बचा हुआ है, दो चार दिन के लिए ठहर जाइए, दो चार दिन के बाद बिहार के नाम को जितना कलंकित करना हो, जिस तरीके की राजनीति करनी हो कर लीजिए, खुली आजादी है भाई साहब। अभी आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपदा पीड़ितों के लिए, आप क्या कर सकते हैं पहले इसकी संभावना तलाशिए ना। तो नीतीश जी महादलित विरोधी, दलित विरोधी, बताइए किस उच्च स्तर की राजनीति भाई साहब आप लोग कर रहे हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं आप लोग बिहार को, और दम्भ भर रहे हैं कि हम नई तरह की राजनीतिक संस्कृति देश में लाएंगे। शर्माती है इस तरह की संस्कृति पर भाई जी? जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे, बड़ी जिम्मेदारी से आप पल्ला झाड़ते हैं, आपसे नाराजगी बड़ी नजर आती है, सियासी समीकरण बनने बिगड़ते ज्यादा बड़े नजर आते हैं जब प्रदेश के अंदर ऐसे हालात हैं, भूकंप पीड़ितों की राहत की बात की जाती है लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ी राहत के तौर पर एक बड़ी राजनीति नजर निकल के आती है। दिनेश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, आरजेडी के विधायक हैं। दिनेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, रमै राम अगर आज के दौर में एक बड़ी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नीतीश सरकार पर आरोप लगा देते हैं कि उन्हें अपमानित किया जा रहा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए, प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? देखिए, ये जो भी आज विपदा आई है जी,
और पूरे राज और पूरे देश का मामला है जी। विदेश में नेपाल में हमारे सटे पड़ोसी देश है, वहाँ पर अभी विपदा आई है जी। तो इसमें भी और राज में भी बहुत बहुत भारी क्षति हुई है, बहुत लोगों की जान माल क्षति हुआ है, और इसमें इस तरह का राजनीति मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। अगर कोई अगर इस तरह का टीका टिप्पणी करता है जी, तो मैं समझता हूँ अपने आप और जनता के नजर में गिर जाएगा। इसलिए जितना हो सके सभी लोग, सारे पार्टी, जो भी सत्ता हो, विपक्ष हो, चाहे जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, सभी को इस दुख की घड़ी में एकजुट होकर के जितना मदद होना चाहिए सर्वदलीय बैठ करके, कि कैसे हम लोगों को मदद दे दे, किस तरह से इसको हम विपदा की घड़ी में, उनके दुख की घड़ी में उनके घर जाए, उनके दुख को बांटे, ये सब बात होनी चाहिए। अभी बहुत सारे हमारे भाई अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, बहुत सारे लोग का घर ढह गया, कितने लोग मर गए, उनकी स्थिति में कैसे हम लोग दुख को बांटे, ये बात होनी चाहिए। बातें यही होनी चाहिए, लेकिन जो बातें अब निकल कर सामने आ रही है वो बड़ी अजीबोगरीब है। कौशल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आखिर किस तरीके की राजनीति हो रही है प्रदेश के अंदर, और क्या इसका कोई भविष्य नजर आता है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या ये अभी से कोई तैयारियां हैं? अगर कोई कोई बात अगर हो, हर बात में अगर राजनीति हो, तो ये गलत संदेश जाता है। इसलिए इस पर मेरा विचार है कि इस पर किसी तरह का टिप्पणी टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अगर किसी की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, इसमें जितना जिसको हो सके जी, जो भी लोग हैं, जितना हो सके उसको बिल्कुल दिनेश जी मदद देना चाहिए, मदद देना चाहिए। इसमें टीका टिप्पणी उचित नहीं है जी, यही हमारा ये है। और कुछ करता है तो अपने आप में जितने गलत संदेश जाएगा, वो अच्छा ये संकेत नहीं है जी। बिल्कुल कौशलेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो तमाम चीजें चल रही हैं प्रदेश के भीतर, क्या ये माना जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव की यहीं से तैयारी की जा रही है, एक जमीन तैयार की जा रही है, उसके बाद एक बड़ा धमाका हो सकता है? क्योंकि जो कुछ महत्वाकांक्षाएं रमई राम की रही हैं और जिस तरीके का व्यवहार उनका रहा है, या उसे देखते हुए क्या इसके ये मायने ना निकाले जाए कि भविष्य की तैयारियों को मजबूत करने की कोशिशें हैं ये? बिल्कुल, देखिए, इस बीच अगर अपमान और स्वाभिमान को अपने राजनीति का केंद्र बनाया जाएगा, जब देश में राज्य में बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो ये राज्य के लिए विडंबना है, और इसका बाहर भी जो है, कहीं राज्य के बाहर भी जो राजनीतिक संदेश जाएगा वो बहुत अच्छा नहीं जाएगा। हालांकि रमई राम अपने तरीके के नेता रहे हैं और अदा कदा इस तरह की वो राजनीतिक हरकत करते रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल जिस तरीके से विजय सिन्हा जी भी अभी साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे ये पूछे जाने की जरूरत है कि नवल जी जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, या राजनाथ सिंह आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं और राज्य सरकार के बारे में अच्छी बातें करते हैं कि वो सहयोग कर रहे हैं और इनका काम सराहनीय है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जो यहाँ के जो बीजेपी के जो नेता हैं वो आरोप लगाते हैं अगर यहाँ के सत्ता सरकार पे, तो ये कैसे, आखिर ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? विजय जी, जी विजय जी, सवाल जी आपके लिए। हेलो जी सिन्हा साहब, जवाब आपके लिए, आपको जवाब देना होगा इस बात का कि आखिर कैसी दोहरी नीति है प्रदेश के अंदर। हाँ, एक जी बता दो जी, आपदा में बढ़ चढ़ करके हमने तो पहले ही कहा था कि सबको मिलकर करनी चाहिए, अभी राजनीति का वक्त नहीं है जी। और अभी इन्होंने इस आपदा को भी राजनीति के रूप में भजाने का काम किए हैं। अरे आपने इनको हटाने की बजाय इनको रहते हुए किसी और को लगा करके काम कराते, हटाने की जो राजनीति तो इन्होंने शुरू किया, और जब राजनीति में घिराने लगते हैं जी, तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे हुआ हाल इनका हो गया है। अरे इनको बताइए भाई साहब कि रमई राम को प्रभारी मंत्री के पद से नहीं हटाया गया है, वो उस पद पर है मौजूद, केवल विजय चौधरी जी को कोऑर्डिनेशन के लिए वहाँ भेजा गया है। हम ये बता, हम ये जानना चाहते हैं कि ये सक्षम नहीं है क्या, ये नहीं कर सकते थे क्या, इतने पुराने अनुभवी लोग हैं जी। आपदा की घड़ी में एक एक जिले में कई सारे अधिकारियों की तैनाती होती है, माननीय कई सारे मंत्रियों की तैनाती होती है, उनको आप विश्वास में लेके करते हैं, होता है कि अपने कार्यों को बेहतर तरीके से हम कैसे चलाएं। नवल बाबू, आप उनको विश्वास में लेके किए रहते तो ये स्थिति आपके पार्टी के अंदर नहीं बनती ना, लोग अपने को अपमानित महसूस नहीं करते। कोई अपमानित महसूस नहीं कर रहा है, नेतृत्व के अंदर से हुआ है। बोल दिया जाए आप पहले बोल लीजिए। नहीं नहीं ये गलती तो कहीं ना कहीं होता है। आप अपने जवाब को, अपने सवाल को उठा लीजिए जी। विपदा के समय में राजनीति एकदम नहीं होनी चाहिए थी। अगर संपादक महोदय की अनुमति हो तो हम कुछ बोले, अगर आपकी अनुमति हो तो हम कुछ बोले। नहीं आप तो बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको कहां हम रोक रहे हैं। मैं आपसे परमिशन नहीं मांग रहा था, मैं संपादक महोदय से मांग रहा था। माननीय बीजेपी के नेता
हमारी पार्टी में विश्वास का परीक्षण बाद में कर देंगे। पहले आपके आप जो बोल रहे हैं, पहले तो आपकी वाणी से संवेदना झलकनी चाहिए, मानवता झलकनी चाहिए। लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसमें सीधे सीधे राजनीति की महक आ रही है, राजनीति की बू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में इतनी बड़ी विपदा आई हुई है और आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई साहब, राज्यों में जब प्राकृतिक विपदाएं आती हैं तो एक एक जिले में कई सारे लंबी लंबी टीमें तैनात होती हैं, बड़े अधिकारियों की फौज तैनात होती है, कई सारे मंत्री विधायकों की टीम तैनात होती है। ये कौन सी नई बात हो गई भाई? ये कौन सी नई बात है जिसको आप बात बनाने में खाली रुचि नहीं लेते हैं? संवेदना और एक्शन हम लोग जमीन पर दिखा भी रहे हैं। इसको आप जो दलित सम्मान के साथ जोड़कर व्याख्यात कर रहे हैं, अजीब किस्म की राजनीति भाई साहब हो रही है, बताइए। अरे राजनीति करने के लिए पूरा समय बचा है, नवंबर में चुनाव है, बाद में फड़िया लिया जाएगा ना। अभी तो कम से कम जो लोग बेचारे दुख में हैं, जो लोग विपदा में हैं, उनकी मदद कीजिए ना। आप क्या कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, ये देखिए कैसे उनको बेहतर सेवा पहुंचाई जाए। आप जानते हैं कि रक्सौल में केंद्र सरकार की भी कई सारी एजेंसियां कार्यरत हैं, विदेशी एजेंसियां भी कार्यरत हैं। तो स्पॉट कोऑर्डिनेशन के लिए अगर कुछ खास लोगों को वहां नियुक्त कर दिया जाता है तो इसमें आपको सम्मान और अपमान की बात कहां से आपको दिखाई देने लगती है, बताइए। आप तो विभाजन की राजनीति कर रहे हैं जनाब, और आपकी राजनीति साफ साफ पकड़ में आ रही है। निश्चिंत, देखिए एक चीज सुन लीजिए, आप घड़ियाली आंसू बहा करके और अपनी आंतरिक राजनीति की मामला को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आपको सम्मान और अपमान की वो कहाँ से आ रही है? नहीं, ये सम्मान आपने जो हर हर घटना में अपनी राजनीति को बढ़िया से नहीं कर पा रहे हैं, आपको राजनीति भी बढ़िया से नहीं करने आ रहा है और आप पकड़ा गए, पूरी तरह आप पकड़ा गए हैं। बेनकाब हो चुके हैं बिहार की जनता की निगाहों में कि रमई राम जी के मुद्दे को इशू बनाकर भारतीय जनता पार्टी विपदा की इस घड़ी में बहुत ही गंदी राजनीति बिहार में कर रही है। ये नवल जी, आपकी बात को भी हमने पूरा सुना। विजय कुमार सिन्हा साहब जिन बातों को समझाने की कोशिश कर रहे थे उनको भी हमने जाना। क्वेश्चन मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो बातें हमारे तमाम दोनों माननीय मेहमानों ने इस बात को रखा है, आपको क्या लगता है कि असल मुद्दा कहीं भटक तो नहीं रहा है, और क्या वाकई में प्रदेश की सियासत के भीतर की जो नाराजगी है वो प्रदेश के एक गलत मैसेज को तो जनता तक नहीं पहुंचा रही है? नहीं बिल्कुल सुल्तान, इसमें ये देखने वाली बात होगी, जैसे आपने प्रश्न जो उठाया नवल शर्मा जी से भी आपने पूछा, या विजय जी भी जो उठा रहे हैं कि क्या रमई राम को इस मामले को लेकर के विश्वास में नहीं लिया गया जबकि वो काबीना मंत्री थे, बीसीसी मंत्री थे। उनका भड़क जाना एक तरीके का राजनीति हो सकता है, लेकिन ये पूछा जाना लाजमी है कि क्या रमई राम को इस मसले को लेकर के विश्वास में नहीं लिया गया? आखिर रमई राम इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर उनका स्वभाव विवाद पैदा करना है तो उन्हें मंत्रिमंडल में रखने का सवाल क्या है? क्या मंत्रिमंडल में रखना उनके लिए एक दलित राजनीति का हिस्सा नहीं है, ये समीकरण नहीं है जो विवादास्पद हमेशा इस तरह का बयान देते रहते हैं? ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन आज की परिस्थिति में जो बिहार के अंदर राजनीति की जा रही है, जिसकी शुरुआत फिलहाल रमई राम ने की है या इससे पहले सुशील कुमार मोदी ने भी कई तरह के आरोप लगाए हैं स्टेट गवर्नमेंट पे राहत कार्यों को लेकर, तो ये पूछा जाना लाजमी है कि क्या राजनाथ सिंह के दिए गए राज्य सरकार के बारे में बयान और सुशील मोदी के द्वारा दिए गया बयान, क्या बिहार बीजेपी के अंदर चल रही आपसी राजनीति के असंतुलन का नजरिया है, असंतुलन का प्रतीक है? ये पूछा जाना चाहिए। अगर विजय जी हैं तो उनसे ये प्रश्न पूछना चाहिए। जी विजय जी, एक आखिरी सवाल का जवाब, और चाहूंगा कि वक्त की थोड़ी मनाही है तो कमेंट के तौर पर अगर इस बात को रख दिया जाए। देखिए एक चीज तो बता दें कि हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक नेतृत्व के ऊपर विश्वास करके काम करते हैं, कोई एक व्यक्ति का राजनीति नहीं चलती है। बिल्कुल, एक व्यक्ति की राजनीति नहीं चलती और भरोसा होता है। मंत्रिमंडल में जब तैयारी होती है तो एक पूरी टीम तैयार होती है, भरोसे का होना जरूरी है, और शायद अगर वो भरोसा नहीं होता तो आज राम जी ये नहीं कहते कि उन्हें अपमानित किया गया है, प्रभारी पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वक्त की थोड़ी मनाही है। आपका सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कौशन, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विजय सिन्हा साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जेडीयू की तरफ से नवल शर्मा जी, आपने वक्त दिया, अपनी तमाम बातें रखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार जी, आपके पास आपके लिए सवाल थे लेकिन वक्त नहीं है इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं पा सकता हूं, लेकिन आप जुड़े, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सवाल बनना लाजमी है कि आखिर इस इस्तीफे के मायने क्या कुछ हैं और क्या राहत की राजनीति आने वाले विधानसभा चुनाव में एक मजबूत जमीन को तैयार करने की सिर्फ तैयारी भर है या फिर आने वाले दिनों में हमें कई और परिवर्तन, कई और नाराजगियां भी देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। चंपारण के विशुद्धि प्रभारी मंत्री थे, दूसरे मंत्री को प्रभारी बना दिए, इसे हमको धक्का लगा, चोट लगा,
मुझे अपमान साबित हुआ, इसलिए हम इस काम का अंजाम इस सुबह दे दें। We'll be right back.